94 न्यूज़, हम बनेंगे आपकी आवाज़। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूं आपका मेज़बान तारिक अंसाशमी और आप देख रहे हैं 94 न्यूज़। नाज़रीन, आज सेकंड डे है यहां एक्सपो सेंटर में, जो कि यहां एग्जीबिशन हो रही है, और आज यहां हम MGT माइडिया के स्टॉल पर खड़े हैं, जहां पाकिस्तान के सुपरस्टार यूनस मलिक भी वहां मौजूद हैं। आइए जानते हैं और इनसे मुलाकात करते हैं और आप लोगों की भी मुलाकात कराते हैं। अच्छा सर, सबसे पहले तो बड़ी खुशी कि आप यहां मौजूद हैं। आप एक चीज़ बताएं कि आज एक्सपो का दूसरा दिन है, तो कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छी काविश है ये। अगर मैं एक्सपो 27/2022 की बात करूं, तो सबसे पहले तो HVACR सोसाइटी का बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, क्योंकि अगर मैं लास्ट 2 से 3 साल की बात करूं, तो पूरी दुनिया में हमने बहुत स्ट्रगल देखा। ऑलमोस्ट हम ये कह रहे थे कि दुनिया ख़त्म हो चली थी एक टाइम पे, हम ये बातें कर रहे थे कि पता नहीं अब क्या होगा। तो उसके बाद अगर इस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं, इस तरह के सेमिनार्स होते हैं, इवन हम इसको ये कह सकते हैं कि एक फेस्टिवल, आप इसको मैं कह सकता हूँ, इसलिए लोग आ रहे हैं यहाँ पे। आप अगर देखेंगे तो हर तबका आपको यहाँ नज़र आएगा। तो ये इस तरह की इवेंट्स, इस तरह के फेस्टिवल, इस तरह के सेमिनार्स, इस तरह के कॉन्फ्रेंसेस अगर आपके मुल्क में रेगुलर बेसिस पे हो, तो उसका बहुत बड़ा फ़ायदा है। ये सिर्फ एक फेस्टिवल नहीं है, इस पर बहुत सारा बिजनेस की राहें खुलती हैं, आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ खुलती हैं। तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छे इनिशिएटिव है और हम सबको इसको अप्रिशिएट करना चाहिए, इसको सपोर्ट करना चाहिए, इसलिए मैं आपको यहाँ नज़र आ रहा हूँ। दो के अगर हम यहाँ बात करें तो हम यहाँ पे MGT को लेके, माइडिया को लेके यहाँ पे हम एक स्टॉल पे हैं हमारा अपना। आप हमारे यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज़ हैं, हमारी सिस्टर्स कंपनीज़ हैं यहाँ पे। एक हमने एक मेला सजाया हुआ है और लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं, अपने प्रोडक्ट के मुतालिक बता रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो ये एक अच्छा आइडिया है और इस तरह की हमेशा मेरी तो बड़ी ख्वाहिश होती है कि पाकिस्तान इसी तरह पले फूले और हमारे शहरों में इस तरह की एक्टिविटीज़ होती रहे। अच्छा सर, एक पर्सनल सा क्वेश्चन, इफ़ यू डोंट माइंड, एक्सपो सेंटर इतनी बड़ी एग्जीबिशन लगी है, ये एक सीक्रेट बताएं मुझे कि आप यहाँ MGT माइडिया में ही क्यों आए? क्योंकि अब देखें, मेरी अपनी कंपनी है, मैं इसमें इजाज़ साहब यहाँ बैठे हुए हैं। जी जी, इजाज़ मलिक साहब हमारे भाइयों की तरह है और हमारा इनका साथ ऑलमोस्ट 10 साल से है। और अच्छी बात यह है कि ये, जो कि सरप्राइज़ भी है, ये बाद में लोगों को पता चला कि जिस वक्त मैं पाकिस्तान टीम के लिए करण खेल रहा था, ये 2014-15 की बात है, तो मैं इनके ऑन बोर्ड था। लेकिन ये कि मैं, आप उसको ये कह सकते हो कि मैं स्लीपिंग पार्टनर ही आप मुझे समझ कह सकते थे, क्योंकि मैं खुद अपने कैरियर में अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो ये मेरी अपनी कंपनी है और यहाँ मैं, मेरे अपने शेयर्स हैं, मैं यहाँ का पार्टनर हूँ। और इसी तरह जैसे हमारे मुल्क में हम पार्टनर हैं, ये हमारा मुल्क, हमारे ऑनरशिप है, इसी तरह ये कंपनी है, ये मैं इसको ऑन करता हूँ। अच्छा सर, स्पोर्ट्स की दुनिया में एक नाम आपका हुआ, अच्छा जैसा बिजनेस की दुनिया में आपका नाम हुआ है, ठीक है, इजाज़ मलिक, यूनस मलिक, अच्छा कोई एक ऐसा वाकया खूबसूरत जो लाइफ के अंदर आपके इनके साथ हुआ? प्लेंटी प्लेंटी एंड ओनली करते हैं तो बस इनको बहुत प्रॉब्लम होती है। अच्छा, अब प्रॉब्लम तो नहीं खैर, लेकिन ये कि अब आप जब लोग आपसे मिलते हैं, प्लेन में मिलते हैं, बसेस में मिलते हैं, कहीं भी जाओ आपको मिलते हैं, तो देखिए क्योंकि हम फैंस की वजह से, हम फॉलोअर्स की वजह से हम जिंदा हैं, तो क्यों ना टाइम दें। अच्छा, ये जब मेरे साथ होते हैं तो उनको बहुत प्रॉब्लम, जब फर्स्ट टाइम मेरे साथ दुबई गए और हमारी एक मीटिंग हमने सेट की, तो उसमें उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ, उन्होंने कहा भाई माफ़ कर दें, अब मैं अकेला ट्रैवल करूँगा, भाई आपके साथ जाते हैं जो 10 मिनट का काम होता है वो 2-3 घंटे में करना पड़ जाता है। तो ये एक प्रॉब्लम होती है, लेकिन आई होप कि अब ये यूज़ टू हो रहे हैं आराम आराम से और ये सफ़र करना सीख रहे हैं मेरे साथ ट्रैवल करते हुए। अच्छा सर, ये एक चीज़ ये कि माशाल्लाह आपके फ्रेंड है, दोस्त हैं, लाइफ के अंदर कोई ऐसी जगह हो जहाँ आपको प्रॉब्लम हो, तो जहाँ यूनस साहब आपके काम है वो कोई लम्हा बताए मोमेंट्स? अच्छा, उसमें मैं जब मिठास बाय यूनस खान लॉन्च कर रहा था,
तो मुझे उस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हाउ इट्स गोना बी वर्क आउट। तो मैंने यूनुस को कहा, यूनुस यूनुस खान क्या है ये भी बता दें ज़रा प्लीज। मिठास पे यूनुस खान जो है वो इट्स एन ऑनलाइन गिफ्टिंग प्लेटफॉर्म है जिसमें आप अपने करीबों को, रिश्तेदार हैं, वाइफ है, उनको आप सेंटिमेंट भेजते हैं उनकी बर्थडेज के ऊपर, उनकी एनिवर्सरीज के ऊपर। तो वो एक आइडिया था एंड आई शेयर्ड विद हिम कि यार आई हैव टू डू दिस। उसने कहा लेट्स डू इट, आई एम विद यू। इसने कहा एजाज भाई चलें। तो वी केम अप विद मिठास भाई यूनुस खान और टुडे मेरे ख्याल में मेरे पास जो फॉलोअर्स हैं अच्छे खासे हैं एज ए बिजनेस यूनिट लिंक्डइन के ऊपर। आई गेट एवरी अदर टाइम, आज वो MIA आया हुआ था उस्मान, मुझे कहता है एजाज भाई आई स्वेयर आई एम वेटिंग फॉर योर लॉन्च। सो वो जो एक आइडिया था ना इसके साथ जो मैंने शेयर किया एंड दैट इज़ समथिंग विच आई रियली बड़ा बेनिफिट उसमें। हाँ मैं आपको बताता हूँ, मैं बड़ी मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स होती है जिसमें जनरली मैं इसको नहीं लेके जाता, बट जहाँ मैं फंस रहा होता हूँ ना मैं कहता हूँ यूनुस आई थिंक यू हैव टू गो विद मी। व्यूअर्स देखा आपने कहा कि जासिफ कह रहे हैं जहाँ मैं फंस रहा होता हूँ वहाँ यूनुस मेरे साथ थे। और नाज़रीन आपको बताते हैं ये वो बातें हैं कि जो व्यूअर्स को नहीं पता, ये एक सीक्रेट बातें हैं जो यूनुस साहब की मेहरबानी यूनुस मलिक की कि पाकिस्तान के बहुत बड़ा नाम है कि उनकी पर्सनल डिटेल आपको हम लोग शेयर कर रहे हैं। अच्छा यूनुस भाई व्हाट्स प्लान ऑफ फ्यूचर अबाउट MGT मीडिया? बिल्कुल इसको लेके हमने ये हमारा एक आप कह सकते हैं हमारा ड्रीम है, हमारा एक बेबी है, हमारा एक ट्री है जो कि रोज़ रोज़ ग्रो कर रहा है और एक बड़ा तनावर दरख बनता जा रहा है। हमारी ख्वाहिश है कि इस प्लेटफॉर्म पे हम पाकिस्तान को पूरा सर्व करें और जहाँ जहाँ पे भी कोई भी स्ट्रगल कर रहा हो किसी भी मद में हम उनकी हेल्प कर सकें, उनको अपना बिज़नेस शेयर कर सकें, उनको अवेयरनेस दे सकें। उसके बाद बाकी जहाँ तक मैं हूँ तो मैं अपनी जैसे सबको पता है, मीडिया को पता है कि मैं अपनी कोचिंग को लेके, अपने क्रिकेट को लेके, अपनी मेंटोरशिप को लेके मैं यंगस्टर्स के साथ, अपने क्लीग के साथ अपने आइडियाज़ शेयर करता हूँ, उनसे उनके आइडियाज़ लेता हूँ। ट्रैवल बहुत ज़्यादा होती है मेरी इस बिज़नेस को भी लेके और अपने जो पर्सनल जो एक हमारा जिसमें हम एक्सपर्ट हैं क्रिकेट में, स्पोर्ट्स में, तो वो भी हम साथ साथ कर रहे होते हैं। उसके बाद अगर मैं अपनी एक और लाइफ का वो देखूँ तो मेरी ये कोशिश होती है कि मैं ये ना सोचूं कि एक टाइम आएगा तो मैं ये काम करूं। मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है, अगर मेरे पास अपॉर्चुनिटी मौजूद होती है सामने तो मैं कोशिश करता हूं कि मैं उसको कर जाऊं। स्पॉट पे आप उसको कर, मैं उसको ये नहीं करता हूं कि जी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं साल बाद छः महीने बाद ऐसा करूँ, मेरे जहन में ऐसा कुछ नहीं होता। इसीलिए मैं मुख्तलिफ कमर्शल्स भी कर रहा होता हूँ, मैं मुख्तलिफ सेमिनार में जाके स्पीचेस भी कर रहा होता हूँ। ये तो एक बिज़नेस हमारा है जिस पे हम अपनी एक्सपर्टीज़ शेयर कर रहे होते हैं, दे रहे होते हैं अपने अपने मुल्क को और मुल्क से अब्रॉड भी हम कर रहे होते हैं। जिस तरह आप मिठास भाई यूनुस खान कर रहे हैं वो सिर्फ हम पाकिस्तान में नहीं करेंगे, वो हम पूरी दुनिया में लेके जाएंगे क्योंकि हमारी हर जगह ट्रैवल होती है और अल्लाह का शुक्र है कि हर जगह फ़ैन फॉलोइंग है, हर जगह सिर्फ हमारे नहीं क्योंकि एज अ पाकिस्तानी आपको पता है कि पूरी दुनिया में हमारा एक नाम है, हमारे पाकिस्तानियों का एक नाम है, पाकिस्तान का एक नाम है। तो हम भी कोशिश करते हैं कि हम वहाँ पर अपनी कंट्री के, अपनी बिज़नेस के, अपनी कम्युनिटी के अच्छे एम्बेसडर बन सकें और जाके जो हमारे मुल्क में, जो हमारे लोगों में, जो हमारे कल्चर्स में जो एक जो स्ट्रॉन्ग जो हमारे पॉइंट्स हैं हम शेयर कर सकें। और सिर्फ क्योंकि बाज़ुकात हम जैसे मुल्कों के लिए बहुत सारी नेगेटिविटी मैं देखता हूँ दुनिया में जाके कि वो पता नहीं क्या समझ रहे होते हैं, तो मेरे ख्याल से माइनस पॉइंट सामने आते हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारे पास बहुत सारे प्लस पॉइंट्स हैं हमारे कंट्री को लेके, हमारे बिजनेसेस को लेके, हमारे लोगों को लेके और ये एक रिच कल्चर है हमारा, एक जो एक बॉन्डिंग है, एक फैमिली कल्चर भी है हमारा, जो कि जब मैं काउंटी क्रिकेट खेलता था या कहीं कहीं भी लीग्स खेलने जाता था तो पैगंबरों से लेके, अपने पाकिस्तान से लेके जो हमारी फैमिली कल्चर है, जो हमारे रूट्स हैं, जब मैं उनसे शेयर करता तो आप यकीन करें इतने इतने टॉप के पर्सन, इतने इतने टॉप के प्लेयर को वो कहते थे अच्छा ऐसा होता है, मैं कहा जी ऐसा ही होता है, कह रहे हमें तो कुछ और दिखाया जाता है। तो हमने कहा नहीं ऐसा नहीं है, आप आओ पाकिस्तान आओ। तो जब वो आते हैं पाकिस्तान या हमसे मिलते हैं या हमारे साथ ट्रैवल करते हैं तो वो सरप्राइज़ होते हैं कि यार वो एक मुसलमान तो कैसे होने चाहिए, एक इस्लाम कैसा है। तो वो जब ये बातें करते हैं तो ये बहुत से ऐसे पॉजिटिविटी है हमारे हम लोगों में, हमारे कल्चर में, हमारे मुल्कों में, इस्लाम में, जो कि हम इस प्लेटफॉर्म पे यूज़ कर सकते हैं। अच्छा यूनुस भाई लास्ट में ये कि आप MGT माइडिया के बारे में कोई मैसेज देना चाहें व्यूअर्स को? जी बिल्कुल, आप आए
आए, हमारे प्रोडक्ट को ज़रूर ज़रूर इसको यूज़ करें और हमें फीडबैक दें। हम ये नहीं कहते कि हम बिल्कुल सुपर डुपर हैं, लेकिन हम कोशिश करें कि हम आपको अच्छा सर्व कर सकें। बहुत शुक्रिया। भाई पीछे जी फॉर न्यूज़, हम बनेंगे आपकी आवाज़।